आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, बताइए आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था। आपसे प्रश्न पूछा गया था, हम चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए ज्यामिति खत्म कर चुके हैं और हमने क्या स्टार्ट कर दिया, मेंसुरेशन, यानी कि हमने चित्रमिति स्टार्ट कर दी थी लास्ट क्लास के अंदर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, लास्ट क्लास के अंदर हमने लंबाइयों की इकाइयों के बारे में पढ़ लिया था कि जो लंबाइयां हैं उसको किस किस इकाइयों में नापा जाता है। हमने पढ़ा था कि उसको किलोमीटर में नापा जाता है, उसको मीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है और मिलीमीटर में नापा जाता है। क्या सिर्फ यही इकाई होती है? आप कहोगे नहीं सर, इनके अलावा भी बहुत सारी इकाइयां होती है, पर ये इकाइयां कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी प्रश्न आते हैं वो इन्हीं इकाइयों से पूछे जाते हैं। तो ये इकाइयां हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था कि उनका रूपांतरण कैसे करते हैं, यानी कि उनको एक इकाई से उनको दूसरी इकाई में कैसे लेके जाते हैं। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में कैसे लेके जाते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे लेके जाते हैं, किलोमीटर को मिलीमीटर में कैसे लेके जाते हैं। और इनका उल्टा भी हमने पढ़ा था कि हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं या फिर सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं। ये सारे रूपांतरण हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, एक छोटा सा रिकॉल क्वेश्चन हम आपसे यहीं पर पूछ लेते हैं। जल्दी से सभी बच्चे हमें बताएंगे कि 10 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर में सभी बच्चे बताएंगे कि कितने मीटर होते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करना कि 10 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। ठीक है, बच्चों का आंसर आ रहा है कि सर 10 मिलीमीटर के अंदर इतने मीटर होते हैं। तो सभी बच्चे थोड़ा सा पोजीशन को ध्यान में रखें। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, यानी कि आप सभी ने थोड़ा बहुत रिवाइज तो किया था, वेरी गुड। चलो अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, आपको एक टेबल दिया गया था होमवर्क में याद करने के लिए, और वो टेबल कुछ इस प्रकार का था कि आपको ये याद करना था कि एक होती है हमारे पास में सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर, उसके बाद में क्या होती है हमारे पास में हेक्टोमीटर, उसके बाद में क्या होती है हमारे पास में डेकामीटर, उसके बाद में क्या होती है हमारे पास में मीटर, उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में डेसीमीटर, उसके बाद में क्या होती है सेंटीमीटर, और उसके बाद में क्या होती है मिलीमीटर। ये टेबल आपको याद करने के लिए दिया गया था होमवर्क में कि आप इसको याद कर लेना। अब हमने आपको बताया था कि जब आप बड़ी इकाई से आप छोटी इकाई की तरफ जाते हो तो आप हर गैप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि एक जीरो लगाते हो। और जब आप उल्टा आते हो, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आते हो, तो आप हमेशा 10 से डिवाइड करते आते हो, यानी कि एक गैप के लिए आप एक जीरो लगा देते हो, यानी कि 10 का भाग कर देते हो। अब हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि बताओ मिलीमीटर से हमें जाना है मीटर के अंदर। तो आपने कहा सर ये रहा मिलीमीटर और ये रहा मीटर, जब हमें मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना है तो हम इस दर से इधर आ रहे हैं, यानी कि छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आ रहे हैं। हमने गैप गिने, 1 2 3, कितने गैप हो गए, 3। तो अब आप कहोगे सर 10 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो आपने कहा सर 3 गैप है, तो नीचे 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, और इसको बनाएंगे 1000, और 1000 से भाग करेंगे किसको, इस लिखी वाली संख्या को, यानी कि 10 को कर देंगे भाग 1 से। तो ये कट गया, और हमने सीखा था कि 1/100 को कैसे हल करेंगे। 1/100 को हम कुछ इस तरीके से हल करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को तो हम ऐसे लिख देंगे, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो सीधे हाथ से 2 प्लेस, 1 2, 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। अब खाली जगह पे क्या लिखेंगे, खाली जगह पे 0 लिख देंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप चलते हैं। इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या तो वो एन टाइप कर दे या फिर अपने माइक ओपन करके पूछ सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप करें और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा एक बार अमन आप भी बता दीजिए, आपको समझ में आ गया ना, आप लास्ट क्लास में नहीं थे बट अभी आप जुड़े हुए हो हमारे साथ में, तो बताइए आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, एक प्रमोद के नाम से बच्चा जुड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ में आया। ठीक है, हम अभी बताते हैं आप सभी को, एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम आपको अभी बताएंगे। देखो आपकी स्क्रीन पर एक रिकॉल टेस्ट आया है, इस रिकॉल टेस्ट के अंदर हम फिर से सारी चीजें रिवाइज कराएंगे। तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, क्योंकि चैट सेक्शन बंद करने की वजह है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया गया है आप उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, क्या हुआ बच्चे? सर हमारे फोन में ना पोल सेक्शन का आंसर नहीं आता, तो हम चैट बॉक्स ठीक में है, दे हाँ सकते आप हैं। चैट चैट सेक्शन में लिखना। जिस बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो बिल्कुल ओके परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो बच्चे थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, हम चैट सेक्शन ओपन कर देंगे जैसे ही पोल सेक्शन को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन
वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल कीजिए, और जैसे ही आप इस सभी बच्चे इसको पोल के अंदर आंसर कर दोगे तो हम जल्दी से चैट सेक्शन ओपन कर देंगे, तो वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन टाइप करके भेजेंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, एक रस्सी की लंबाई कितनी दे दी गई आपको 7 मीटर। आपने कहा सर एक रस्सी है और उसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर दे रखी है हमें, तो हमने लिख दिया 7 मीटर। सर चैट और सेक्शन तो ऑन कर दो ताकि नहीं हम नहीं आंसर बच्चे, दे पाए। हाँ आप आंसर दोगे, हम सिर्फ लिख रहे हैं डाटा। और एक दूसरी रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो आपको दोनों रस्सियों की लंबाई को जोड़कर बताना है कि सर ये आंसर होगा। अब आप जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता है वो पोल के अंदर वोट कीजिए जल्दी से, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो सिर्फ 2 मिनट का इंतजार कीजिए, हम जल्दी से आते हैं पोल सेक्शन बंद करके आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कर दें। देखिए आपको दो रस्सियों की लंबाई दी गई है, एक रस्सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, 7 मीटर है, सॉरी 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 बच्चे यहां ध्यान देना, यहाँ 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर है, ठीक है। और दूसरी रस्सी की लंबाई कितनी है 300 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा गया है बताइए दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप जल्दी से इस पर्सन को सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, तो जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता अब वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर जल्दी से टाइप कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, वरना तो आप टाइप करते रह जाते हो फिर आप कहते हो कि सर समझ में नहीं आया। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए यहाँ लिखा है 7 मीटर, बच्चों प्लीज सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो क्या जुड़ सकते हैं कि ये नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि अगर कहीं आपसे दे दिया जाए कि आपके पास में 2 रुपए हैं और आपके पास में 50 पैसे हैं, तो क्या आप कह दोगे कि क्या आपके पास में 52 रुपए हैं, नहीं कह पाओगे कि आपके पास में 52 रुपए हैं, और ना ही आप ये कह पाओगे कि आपके पास में 52 पैसे हैं। यानी कि जब दो अलग अलग इकाइयां होती है तो आप उनको नहीं जोड़ पाते हो, यानी कि जोड़ने के लिए आपको उनको एक ही इकाई में लेकर आना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी इकाई में लेकर आओ। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कितना होगा। आपने कहा सर पहली जो लंबाई है रस्सी की वो 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, और हम जानते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो आपने कहा सर मीटर, मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर और डेसीमीटर के बाद में आता है मीटर। अगर हमें पूरा टेबल याद है तो हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा, मीटर। इसके आगे भी कुछ लिखे होंगे पर हम पूरा नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं मीटर आएगा, मीटर के बाद में डेसीमीटर आएगा और डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर आएगा। यानी कि अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपके पास में कितने आ गए, 2 गैप आ गए, और आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप 100 से गुणा कर दोगे और आप कह दोगे सर जो लंबाई है वो 7 गुणा 100, यानी कि आपने कह दिया सर 700 सेंटीमीटर है, यानी कि कितनी हो गई वो पहली लंबाई 700 सेंटीमीटर, और आप जानते हो जो दूसरी लंबाई है वो कितनी है 300 सेंटीमीटर है, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपने कहा कि सर दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 700 प्लस 300, जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ गया 1000 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन कौन सा है, 1000 सेंटीमीटर तो कहीं नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये हमारे पास में 703 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, बाकी तो मीटर में लिखे हुए हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना आंसर। हम देखते हैं कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। आपने कहा सर सेंटीमीटर से मीटर में जाते वक्त हमें भाग करना पड़ेगा, कितने से, आप कहोगे सर 100 से, क्योंकि 2 गैप है।
तो आपने इसको 2 से यानी कि 100 से आपने इसको भाग कर दिया। जब आपने 100 से भाग कर दिया तो कितना आ गया आपके पास में, 10 मीटर। कितना आ गया आपके पास में, 10 मीटर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए, यानी कि आपका सही आंसर हो गया है 10 मीटर। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करना, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना, या फिर आप अपना माइक ओपन करके जल्दी से पूछना कि सर हमें यहां से नहीं समझ में आया है। ठीक है, जो प्रमोद के नाम से बच्चा टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उनका आंसर ठीक हो गया 10, उन्होंने टाइप कर दिया है, पहले गलती से 703 मीटर लिखा था। ठीक है बच्चे, एक ही बार वाई टाइप किया करो प्रमोद, एक ही बार वाई टाइप कर दो, समझ में आ जाता है। ठीक है चलिए, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है किसका सही आंसर कितना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। सर चलिए मेरा आगे, नाम ठीक नितिन है। है ठीक है नितिन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका सही आंसर कितना है, ए, 10 मीटर इसका सही आंसर है। चलिए अब आप जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे होंगे, जहां पर कॉपी में आप उसके अंदर जल्दी से लिखिए #2 करके, यानी कि कल आपने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी कल आपने, यानी कि लंबाई को कैसे, एक लंबाई की इकाई को एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे चेंज करते हैं, यानी कि उसको बदलते हैं। और आज पढ़ोगे किसकी इकाई को, आज आप पढ़ोगे क्षेत्रफल की इकाई को, किसकी इकाई को, क्षेत्रफल की इकाई को, और आप पढ़ोगे उनका रूपांतरण, यानी कि एक इकाई से उसे दूसरी इकाई की तरफ कैसे लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चे, से बच्चे माइक बंद करेंगे, यानी कि आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना #2 और हेडिंग डाल लेना कि क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो क्षेत्रफल होता है, हम आपको याद दिला देते हैं थोड़ा सा, कि आपने वृत्त में पढ़ा था कि एक वृत्त के अंदर का पूरा भाग उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में अपने क्षेत्रफल वृत्त ही खत्म किया था, इसलिए हमने ये वृत्त का एग्जाम्पल ले लिया है। ये वृत्त है और वृत्त के अंदर का पूरा भाग क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो क्षेत्रफल की इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, क्षेत्रफल की इकाइयां कौन कौन सी हो सकती है। तो देखो, जो क्षेत्रफल की इकाई हो सकती है वो वर्ग मिलीमीटर हो सकती है, जिसको आप मिलीमीटर का स्क्वायर लिखते हो, वो वर्ग सेंटीमीटर हो सकती है, जिसको आप सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हो, वो वर्ग मीटर हो सकती है, जिसको आप मीटर का स्क्वायर लिखते हो, वो वर्ग किलोमीटर हो सकती है, जिसको आप किलोमीटर का स्क्वायर लिखते हो। और यहां पर सभी बच्चे स्टार लगा लेंगे कि क्षेत्रफल की एक और इकाई होती है जिसे आप हेक्टेयर बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसे, हेक्टेयर बोलते हो। ठीक है, यानी कि ये हमने जो चार्ट पढ़ा था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, उसमें ये हेक्टेयर नहीं था कहीं पर भी। ये क्या नहीं था, हेक्टेयर कहीं पर भी नहीं था, इसलिए आप इसको लिख लेना स्टार लगा करके कि इसके लिए ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि आपके उस टेबल में नहीं है। तो आप एक क्षेत्रफल की नई इकाई पढ़ोगे जिसको आप बोलते हो हेक्टेयर। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा उसने हेक्टेयर वर्ड कभी सुना है, चलो बताइए। अगर किसी बच्चे ने हेक्टेयर वर्ड सुना है तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए उसने कहाँ सुना है। ठीक है, सर काफी ये सारे खेत बच्चे, के लिए यूज होता है। हाँ, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्रफल को नापने के लिए यूज किया जाता है। आपने खेतों के बारे में जरूर सुना होगा, और खेतों का जब क्षेत्रफल बताया जाता है तो हेक्टेयर के अंदर बताया जाता है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज, क्षेत्रफल की इकाई पढ़ेंगे और उनको कैसे परिवर्तित करते हैं एक इकाई से दूसरे इकाई में, उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्रफल के एग्जाम्पल, यानी कि दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने एक पेपर लगा रखा है और इस पेपर का ये कुछ क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, इस पेपर का ये कुछ क्षेत्रफल होगा। इस पेपर का जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। हाँ, लेकिन पर आप जानते हो कि जब सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ चीज होगी तो आप उसको मिलीमीटर के स्क्वायर में भी बदल सकते हो, सर ये चेस यानी कैसे कि आ गया? बता रहे हैं बच्चे कैसे आ गया है। देखो, यानी कि जब आपके पास में, जब हर ये सेंट यानी कि जो कागज आपको दिखाया गया है, तो आप कहोगे इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, लेकिन पर हम उसे बदल सकते हैं ना एक इकाई से दूसरे इकाई में, तो ये क्षेत्रफल आप मिलीमीटर स्क्वायर में भी बता सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो भी लूडो या चेस आप खेलते हो, तो उसका जितना भी क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी एरिया वो कवर करता है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। और उसका क्षेत्रफल किस में निकालते हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, और हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर भी। ठीक है बच्चों, ये आपने देखा होगा, ये क्षेत्रफल के कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि ये पूरी की पूरी फील्ड क्या है, यानी कि ये इस पूरे के पूरे ग्राउंड का, इस पूरे के पूरे पार्क का क्या है, क्षेत्रफल है। ये आपको समझ में आ गया क्या होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। देखो, कल भी यही बात हुई थी लास्ट क्लास में, कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो
तो आप रस्सी मांगोगे तो क्या आप रस्सी को सेंटीमीटर में मांगोगे? आप कहोगे नहीं सर, रस्सी को सेंटीमीटर में मांग के क्या करेंगे, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि कम से कम वो मीटर में आएगी, तभी तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कपड़े सुखा सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके पार्क है, जो इनकी लंबाई होती है वो इतनी होती है कि उसमें कम से कम आप खेल सको। तो जो पार्कों की लंबाई होती है वो मीटर में होती है, पार्कों की लंबाई मीटर में होती है। इसी तरीके से आप कहोगे उनका क्षेत्रफल किसमें होगा, उनका क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जो बड़े बड़े जंगल होते हैं वो किलोमीटर लंबे फैले होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई किलोमीटर में होती है और उनका क्षेत्रफल कितना होता है, किलोमीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि वर्ग किलोमीटर में उनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है जिसमें आप समझोगे कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वर्ग दिखाई दे रहा है। अच्छा जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी को वर्ग के बारे में पता है ना, वर्ग क्या होता है? हमने पढ़ा था वर्ग आयत जब हमने चतुर्भुज वाला चैप्टर पढ़ा था। तो बताइए एक वर्ग क्या होता है? एक वर्ग ऐसी भुजा, यानी कि एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। वेरी गुड, और सर बहुत, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। हाँ कोने नहीं बोलेंगे उनको, शीर्ष बोलेंगे, कि जितने भी हमारे पास में एंगल्स होते हैं कोण, वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बच्चे, कोण 90 डिग्री के होते हैं सभी। अच्छा सभी बच्चे प्लीज अपने माइक बंद रखेंगे, इस तरीके से तो क्लास के अंदर शोर होगा। ठीक है, चलिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है सभी से कि बच्चे प्लीज माइक बंद रखा करो बस। ठीक है, तो आपने कहा सर इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, हमारे पास में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सभी बच्चे इसको याद करेंगे, यानी कि लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। आप लिखेंगे जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का आप वर्ग कर दोगे। और वर्ग निकालना आप सीख चुके हो, आपने कहा भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका वर्ग कर देंगे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करो 3 का वर्ग कितना होता है प्लीज। बच्चे जिस बच्चे का माइक ओपन रह गया है गलती से प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ आपने कहा सर जो 3 का वर्ग होता है, जो 3 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 9 होता है। अब आप हमें बताओ यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि आप लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना लिखोगे आप, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि आपने कहा सर इसका आंसर तो आ गया है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल को नापा जाता है वर्ग इकाई में, इसलिए इसका आंसर किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इतना तो सभी को समझ में आ गया है क्योंकि सभी का आंसर आ गया है। अच्छा हम आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं कि बताइए अगर एक वर्ग की भुजा, हमने लिख दिया है कि बताइए अगर एक वर्ग की भुजा कितनी है, मान लेते हैं वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे टाइप करेंगे, प्लीज बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए हो। ठीक है, एक बच्चा है सुभाष कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना आंसर चेक करो, 60 आंसर नहीं होगा किसी भी तरीके से। सर एक मिस्टेक हो गई, स्क्वेयर लगाना भूल गए थे। सर ठीक है ठीक है, हमने आपका देख लिया है, आपने 225 सेंटीमीटर करके भेज दिया है, बट हमने देख लिया है, वेरी गुड। चलो देखो कम से कम गलती होती है तो बच्चों को कम से कम पता लग जाए कि हाँ उनसे गलती हो गई, तो बहुत अच्छी चीज होती है। सागर आप भी अपना आंसर चेक कीजिए प्लीज। चलिए देखो आपको एक वर्ग की भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। आप क्या कहोगे सर हमें वर्ग की भुजा कितनी दे दी गई है, 15 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपने कहा सर अभी तो पढ़ा था वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। तो आपने यहाँ कहा कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो तो भुजा का स्क्वायर होगा, और भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब आपको अगर 15 का स्क्वायर याद नहीं है तो हम सभी से कहेंगे कि 1 से लेकर 20 25 तक के स्क्वायर याद कर लेना। अगर याद भी नहीं है तो कम से कम आप 15 गुणा 15 तो कर ही सकते हो पेपर में, कि जब आप 15 गुणा 15 करोगे तो कितना जाएगा बच्चों, 225। कितना जाएगा, 225। तो आप कह दोगे इसका आंसर होगा सर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, सागर आप हमें बताइए समझ में आ गया ना, और सुभाष हमें बताएंगे कि जिन्होंने सुभाष कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन किए उनको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया जल्दी से दोनों बच्चे अपना आंसर टाइप करके भेजेंगे वाई कि हाँ उन्हें समझ में आ गया है, जल्दी से। ठीक है, बाकी सागर आप भी भेजिए लिख करके कि समझ में आया कि नहीं आया अभी। ठीक है आ गया है सागर को भी।
चलिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जल्दी से, इस सभी चीजों को हम हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अगर एक वर्ग की भुजा, हमने यहां पर लिख दिया है, बताइए कि अगर एक वर्ग की भुजा, सॉरी चलो हम उल्टा पूछ लेते हैं, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास में कितना, ले लिया जाए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जरा बताओ वर्ग की भुजा कितनी होगी, बताइए वर्ग की भुजा कितनी होगी, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि वर्ग की भुजा कितनी होगी। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि वर्ग की भुजा होगी 20। राहुल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आंसर लिखा है प्लीज वो अपना आंसर चेक करो, ऋषभ के नाम से जिस बच्चे ने आंसर लिखा है वो चेक करो, ऋषभ और राहुल अपना आंसर चेक करो प्लीज। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आपने कहा सर हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना बाद में कहोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया। अब सभी बच्चे सामने देख लो स्क्रीन पर, देखिए जिन बच्चों का हो गया है प्लीज वो भी देखना। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए वर्ग की भुजा कितनी है, तो आपसे वर्ग की भुजा के बारे में पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, आप वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे क्योंकि उसमें भुजा भी होती है। तो आपने कहा सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, आप लिखोगे कि सर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, आपने कहा सर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दे दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, लेकिन पर जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा का स्क्वायर होता है, कितना होता है भुजा का स्क्वायर, और इसका मान कितना दे दिया गया है हमें 400, तो आप कहोगे सर अगर हम इसका भुजा निकालेंगे तो यानी कि इसको भी किसी नंबर के स्क्वायर में लिख लेते हैं। बच्चे प्लीज माइक बंद, माइक बंद बच्चों, वरना तो क्लास से बाहर निकालना शुरू कर देंगे फिर। देखिए आपने कहा इसको भी किसी नंबर के स्क्वायर में लिख लेते हैं, यानी कि आपने कहा सर अगर भुजा को हम एस मान ले साइड, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा वो कितना हो गया, आपने कहा सर ये 400 तो 20 का स्क्वायर होता है। जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आप क्या कहोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर आप क्या कह दोगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर जो भुजा का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कह दोगे सर जो भुजा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो जो आपकी भुजा आएगी वो किस में आएगी, वो सेंटीमीटर में आएगी। अब आप हमें जल्दी से बताइए सभी बच्चे, हाँ ठीक है आशीष, कि √400 बताइए कि सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें या फिर माइक ओपन करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आपके सामने उदाहरण नंबर 2 आ गया है, जल्दी से सभी बच्चे देखेंगे उदाहरण नंबर 2 को। देखिए आपसे पूछा गया है कि दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिए गए, आवाज नहीं आ रही। बच्चे जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार जल्दी से क्या कर ले, क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। देखो सभी बच्चों को आवाज आ रही है ना, देखो सभी के आंसर भी आने लगे हैं, तो जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है प्लीज रिक्वेस्ट है कि फिर से वो क्या करे, एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए कट करके। देखिए आपसे पूछा गया है दिए गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है 16 16 16 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पर आप हमें एक चीज बताओ, चलो आप सभी हमें एक चीज बताओ, यहां तो लिखा हुआ है मीटर और यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो जब आप 8 की सेंटीमीटर की गुणा 2 मीटर में करोगे तो बताओ कितना आएगा, 8 दुनी 16, अब बताओ क्या लिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे या फिर 16 मीटर स्क्वायर लिखे, यानी कि गड़बड़ हो गई ना आपके पास में, आपके पास में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई कि गुणा करने के बाद क्या लिखें। अब एक बच्चा तो ऐसा कहेगा सर मैं तो ऐसा लिखूं 8 दुनी 16 सेंटीमीटर मीटर, एक बच्चा कहेगा मैं तो ऐसा लिख दूं सर 16 मीटर सेंटीमीटर, नहीं ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि आप एक ही इकाई में तो नापोगे, या तो सेंटीमीटर में नापोगे या मीटर में नापोगे, भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि अलग अलग इकाइयों में एरिया निकाल दोगे, नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकी इकाई को सेम बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले तो हम आप सभी से कहेंगे कि आप इस आकृति को अगर जानते हो कि ये आयत है, तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आप लंबाई को एल से लिख देते हो और चौड़ाई को बी से लिख देते हो, यानी कि आप कहोगे जो एरिया होता है वो होता है एल गुणा बी, एल
गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आप जानते हो एरिया जो आता है वो किस में आता है, वो आता है वर्ग इकाई में आता है, जो भी इकाई होगी वो वर्ग इकाई आएगी। ठीक है बच्चों, नहीं आशीष वो कुछ और होता है, और वो क्यों, ओहो इसमें हाइट कहाँ है बताओ बच्चों। चलिए तो इतना सभी को समझ में आ गया, इतना तो आपको याद करना है, लिख लीजिए, इतना सभी को याद करना है कि जो हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और उसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं एरिया बराबर एल इंटू बी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास में, अब हम क्या करते हैं इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा आप सभी हमें बताओ 2 मीटर में, जल्दी से बताओ 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि इनको एक जैसा बना लेना, मीटर को और सेंटीमीटर को एक जैसा बना लेते हैं। बताइए जरा 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपने कहा सर अभी तो याद किया था कि ये रहा मीटर, ये रहा डेसीमीटर और ये रहा सेंटीमीटर। अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो 1 2 यानी कि 2 0 यानी कि 100 से गुणा कर दोगे। अब जब 100 से गुणा कर दोगे 200 तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। यानी कि आपने कहा सर इस वर्ग जो आयत है इसकी जो लंबाई है वो 200 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 सेंटीमीटर है, और आप जानते हो कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी कि 200 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। और आपने कहा सर जो एरिया आ गया है वो कितना आ गया है, 8 दुनी 16, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सर इसका जो आंसर आ गया है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अच्छा आप सभी हमें बताओ कि क्या हमेशा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, नहीं, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालो और आंसर मीटर स्क्वायर में बताओ। चलो जल्दी से सभी बच्चे इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बदल के बताएंगे कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे इस क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बदल के बताएंगे कितना आएगा, आठ को यानी चेंज कर लें सर, अब की बार क्या चीज। 8 को चेंज कर लेना अब की बार हाँ मीटर आप में। ऐसा बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, 8 को चेंज कर लो मीटर में, लेकिन पर अगर हमें इतनी ही मेहनत करनी होती, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अगर हमें इतनी ही मेहनत करनी होती तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अब हम क्या करेंगे, अब हम आसान चीजों को सीख लेंगे। देखो कल आपने क्या चीज पढ़ी थी, इधर देखेंगे सभी बच्चे सामने, अब आप सामने देखेंगे सभी बच्चे, कोई भी टाइप नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, वरना कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे, सामने देखो, वरना तो फिर कहोगे बाद में समझ में नहीं आया। देखिए आपने कल एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी, कि हमारे पास में एक टेबल है इसको लर्न करना ही पड़ेगा, किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, डे का मीटर होता है, फिर हमारे पास में मीटर होता है, फिर हमारे पास में डेसीमीटर होता है, फिर हमारे पास में सेंटीमीटर होता है, और फिर हमारे पास में मिलीमीटर होता है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, गैप काउंट करेंगे 1 2 3। बहुत आसान हो गया कि सर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर आ गए, तो हमने ये चीज याद करी थी बच्चों कल, समझ में आई थी हमें। ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे, ये तो कल लंबाई की बात करी थी ना कि एक लंबाई को कैसे हम बदलेंगे, लेकिन पर जैसे ही हमें ये पता लग गया कि 1 किलोमीटर में 100 यानी कि 1 किलोमीटर में सॉरी 1000 मीटर होते हैं, इसी तरीके से हम ये भी तो बता सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आप कहोगे सर 1 मीटर में, आप कहोगे सर 1 मीटर में 1 2 2 गैप है, तो आपने कहा सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हो कि जब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे, यानी कि आप कह दोगे सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा लंबाई को कैसे बदलते हैं, लंबाई को कैसे बदलते हैं। अब आप देखो यहां पर, अब अपनी आंखें यहां पर करके देखेंगे सभी बच्चे जो लाल पेंसिल लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो काले में कल का सारा रिवाइज कराया आपको कि टेबल से कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपने जो क्षेत्रफल की इकाई है उनको कैसे बदलते हैं, क्षेत्रफल की इकाइयों को कैसे बदलेंगे, क्षेत्रफल की इकाइयों को कैसे बदलेंगे। ठीक है देखिए जो हमारे क्षेत्रफल की इकाई होगी उनको कैसे बदलेंगे, आपने कहा सर 1 मीटर है, सॉरी हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों कि यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है और यहां मिलीमीटर है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमारे पास में क्या होता है, 100 से गुणा करनी पड़ती है। देखो ये लिखा हुआ कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हमें 100 से गुणा करनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है बच्चों, आपको भी बिल्कुल करनी पड़ती है सर। लेकिन पर अगर हम मीटर स्क्वायर से, यानी कि हमने इधर इसका स्क्वायर लगा दिया मीटर स्क्वायर, अगर हम मीटर स्क्वायर से इधर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो हमें 100 से गुणा नहीं करनी, हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी,
हमें गुणा करनी पड़ेगी 100 का स्क्वायर, यानी कि हमें गुणा करनी पड़ेगी 100 का स्क्वायर, यानी कि हम गुणा करेंगे 10,000 से। देखो इसका स्क्वायर हुआ, अच्छा लगा, इसका स्क्वायर हुआ, अच्छा लगा, तो आपको इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा यहाँ पर बदलने के लिए। जैसे कि आप कहते हो सर अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, देखो ये लिखा हुआ साइड में कि जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम सेंटीमीटर के स्क्वायर से मिलीमीटर के स्क्वायर में जाएंगे तो हमें 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, क्या करनी पड़ेगी, 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक इसी का उल्टा करना पड़ेगा जब हम छोटी इकाइयों के वर्ग से बड़ी इकाइयों की तरफ आएंगे, ठीक इसी का उल्टा करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी याद कर लिया है कि अगर हमारे पास में मीटर है, यहाँ पर हमारे पास में सेंटीमीटर है और यहाँ हमारे पास में मिलीमीटर है, तो हमने कहा जब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, ये तो लंबाई की बात हो गई। जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम 10 से गुणा करते हैं, ये लंबाई की बात हो गई। लेकिन पर जब हम इनकी वर्ग इकाई बनाएंगे कि जब हम मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, इस 100 का वर्ग यानी कि आप कहोगे सर 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर के स्क्वायर में जाओगे तो आपको इस 10 का स्क्वायर यानी कि आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। चलो ये तो बात हो गई इस तरफ जाने की, लेकिन पर जब आप इसमें उल्टा आओगे यानी कि जब आप मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 100 से। और इसी तरीके से जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आओगे तो आपको भाग करना पड़ेगा 10,000 से। चलो हम यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से, अगर आपसे कोई कहे बताइए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बताइए कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं बच्चों के। अच्छा जिस बच्ची ने रेखा देवी के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो एक बार माइक ओपन करके बताओ कि उन्होंने हमें 8 से 9 वाला बैच भी पढ़ा था क्या, 8.5 से 9.5 शुभम सर वाला, बताइए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां पर आपको पता लग गया कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको कहाँ जाना है, मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो आप यहां पर देखोगे ये रहा सर, ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा मिलीमीटर स्क्वायर, और जाने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे। यानी कि आपने कहा सर हम 100 से गुणा करेंगे, पर किसको करेंगे, जो भी संख्या यहाँ लिखी होगी, आपने कहा सर 5 को गुणा करेंगे यानी कि हो गया 500 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए ये रहा पहला, अब आपका दूसरा प्रश्न ये रहा सभी के सामने, ये अगर पहला सभी को समझ में सर आ गया मेरा तो नाम प्रशांत है। हाँ, ठीक है समझ गए हम। चलिए आप जल्दी से टाइप कीजिए, अगर सभी को समझ में आ गया पहला प्रश्न तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करना या फिर माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप एक काम कीजिए दूसरा प्रश्न बताइए हमें, सभी बच्चे सामने देखेंगे और दूसरा प्रश्न हमें बताएंगे कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितने मीटर स्क्वायर होंगे। आप जल्दी से सोल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करना स्टार्ट करना कि सर हमारी तरफ से ये सही आंसर है। ठीक है ठीक है, बच्चों के आंसर आने लगे हैं। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, काफी सारे बच्चों के आंसर आने लगे हैं। चलिए अब हम बता देते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, चलिए हम आपको समझा देते हैं। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा वरना हम कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे, प्लीज से बच्चे सामने देखो वरना फिर आप कहते हो सर समझ में नहीं आया फिर से समझाओ। देखिए सर बच्चे सामने देखिए आपसे
देखो नहीं मान रहे ना ऋषभ, आप कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सब बच्चे सामने देखेंगे। देखिए आपसे पूछा गया कि बताइए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आपने कहा सर इस बार हम उल्टा जा रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, तो हम भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? हम सर 10,000 से भाग करेंगे, यानी कि हमने लिख दिया कि हम 10,000 से भाग करेंगे, लेकिन पर किसको भाग करेंगे? ऊपर लिखी हुई संख्या को भाग करेंगे, यानी कि आप 50 को भाग करोगे 10,000 से। चलो यहां भाग करते हैं 50 को 10,000 से, तो कैसे भाग करेंगे? आपने कहा सर 1 0 से तो 0 कट जाएगी लास्ट वाली, बताया था लास्ट क्लास के अंदर कैसे कटती है, और फिर आपने कहा सर आंसर आ गया 5/1000, और इसको कैसे हल करेंगे? इसको ऐसे हल करेंगे सर, ऊपर वाली संख्या को तो कॉपी कर देंगे, नीचे कितनी 0, 1 2 3, तो 3 प्लेस, 1 2 3, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे 0 लगा देंगे, बाकी बचे प्लेसेस पे 0 भर देंगे, यानी कि कितना जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। अब जल्दी से सही बच्चे बताओ, आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना, या फिर आप माइक ओपन करके पूछना एक बार। ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पर पीछे की तरफ। ठीक है आपको एक सवाल देकर आए थे ये वाला, कि हमारे पास में आंसर आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जल्दी से इसका आंसर मीटर स्क्वायर में बताएंगे सभी बच्चे, कि जो आयत का क्षेत्रफल आया था वो आया था 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको बदल के बताइए हमें कितने मीटर स्क्वायर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कितने मीटर स्क्वायर। ठीक है जल्दी से बाकी बच्चे बताएंगे, आंसर आने लगे हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से टाइप करेंगे। आ बच्चों थोड़ा सा चेक करना है आपको, शायद आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। चलिए बाकी बच्चे टाइप कीजिए, अभी 2 3 बच्चों के, वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने लगे हैं, बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। क्या होगा आपकी तरफ से सही आंसर? चलिए अब हम आपको बता देते हैं, चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो हम इसको पहले तो हटा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए। ठीक है पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं बच्चों। हमने यहाँ पर लिख दिया कि लाल कलर से, तो हमने अंदर ही लिख दिया, पुराना लिखा हुआ है, कि जो एरिया था वो था 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पर हमसे पूछा गया जो नया सवाल उसको हम हरे पेन से लिख देते हैं, कि बताओ 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, और आप पीछे से यहां तक आते आते भूल गए कि हमें कितने से भाग करना है, हमें 10,000 से भाग करना है। बच्चों कितने से भाग करना है? 10,000 से। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, कि देखो ये रहा कि जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की तरफ आओगे तो आपको कितने से भाग करना है, ये रहा 10,000। सर हमें 10,000 से भाग करना है। ठीक है तो आप जब इसको 10,000 से भाग करोगे तो कैसे करोगे? आपने कहा सर 1 2 3 4 इससे भाग करना है, पर किसको भाग करेंगे? ऊपर लिखी हुई संख्या 1600 को भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, दूसरी 0 से दूसरी 0 कटा, यानी कि सर आंसर तो आ गया 16/100, 16/100। अब इसको कैसे बदलेंगे? इसको ऐसे बदलेंगे कि ऊपर वाली संख्या को तो हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, नीचे कितनी 0 है, 2 0, तो 2 संख्या सीधे हाथ से 1 2, उसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल, यानी कि आ गया 0.16 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 0.16 मीटर स्क्वायर। अब हमें जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर देना, अगर नहीं आया है तो एन टाइप कर देना, या फिर आप माइक ओपन करके पूछ लेना कि सर यहां पर नई चीजें समझ में आई है। ठीक है चलिए वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं आगे, चलिए अब देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, इतना हो गया है। हमें ये कन्वर्जन ऐसे याद करने पड़ सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान होता है वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको बताया था अभी, एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर। अब आप देखो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर, यानी कि आपने कहा जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, यही चीज तो बताई थी, लेकिन पर जब हम इनके क्षेत्रफल की इकाइयों को देखेंगे, तो जब हम इनके क्षेत्रफल की इकाइयों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे, कि यहां पर अगर हम 10 से गुणा कर रहे थे तो यहां पर हम कितने से गुणा करेंगे बच्चों? 100 से। वही लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर,
इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर, जब आप यहां से यहां जाओगे तो आप 100 का वर्ग 10,000 से गुणा करोगे। तो यही चीज यहां पर लिख दी गई है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको याद कर सकते हो। अगर याद भी नहीं करोगे तो बस आप होमवर्क में एक काम जरूर कर लेना कि ये टेबल जो आपको 2-3 दिन से हम बता रहे हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डे का मीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आप इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इतना तो सभी को आपको बता ही दिया है कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाओगे तो इतने से गुणा करनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर जाओगे तो इतने से गुणा करनी होगी, जब आप उल्टे आओगे तो 100 से भाग करना होगा, और जब आप इसमें उल्टे आओगे तो आपको 10,000 से भाग करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम आपको एक चीज और बताते हैं। स्टार लगा के लिखिए सभी बच्चे कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है। 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। जल्दी से सभी बच्चे लिखेंगे कि जो 1 हेक्टेयर का मान होता है, जो 1 हेक्टेयर का मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये आपको होमवर्क में लर्न भी कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है सभी बच्चों को। चलिए, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं कुछ। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और जल्दी से फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से वाई टाइप करो अगर सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए हम आपका चैट सेक्शन अब बंद कर देते हैं क्योंकि सभी का वाई टाइप होकर आ गया है कि हाँ उनको समझ में आ गया है। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। अब आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आया है, आप इसे जल्दी से हल करें और प्रश्न नंबर 4 का जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आपसे पूछा गया है कि बताइए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन पेस्ट करके, यानी कि आप सही ऑप्शन भेज सके कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है बच्चों, चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी क्या करें, इस प्रश्न को जल्दी से हल करें ताकि जैसे ही आपको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका दिया जाए तो आप वैसे ही जल्दी से अपना सही ऑप्शन भेज दें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर, शायद कुछ ही बच्चे रह गए जिनके पास में पोल का ऑप्शन आता है, तो बाकी बच्चे भी क्या कर दें, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब क्या करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से अपना सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, वेरी गुड। प्लीज सर आपके पावली पूरी बच्चों माइक बंद रखो। चलिए चलिए अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। अब कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे देखेंगे सामने। अच्छा एक चीज देखिए, हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया कि बताइए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने लिखा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमसे पूछा गया बताओ कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं। या तो हमें याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, देखो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये रहे दोनों तरीके। पहले तो आप देख लो कि ये तो आपका पहला तरीका है,
कैसे करेंगे सर? हमें अगर ये याद है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, हमारे पास में 100 मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो हमसे पूछा गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि हमने इधर 20 से गुणा कर दी तो हमारा बन गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर भी हमें 20 से गुणा करनी पड़ेगी। और जब आप इधर 20 से गुणा करोगे तो 20 और गुणा 100 कितना हो गया? आप कहोगे सर 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका सही आंसर तो कौन सा हो गया, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी। ये तो हो गया पहला तरीका। अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा दूसरा तरीका तरीका, मैं बताऊं सर? हाँ 1 मिनट रुको बच्चों, हम बता देते हैं वरना तो बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो जाती है आवाज से। देखिए अभी आपको बताया था एक टेबल होता है मेरे पास, मीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। अब आप जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर पर जाते हो तो आपको 10 से गुणा करनी होती है, लेकिन पर जब आप इनकी एरिया की यानी कि आप इनके क्षेत्रफल की इकाई देखोगे तो आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको यहाँ पर 10 का स्क्वायर करना होगा, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाते वक्त कितना करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। यानी कि आप कहोगे सर जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, पर 100 से गुणा किसको करते हैं, सामने लिखी हुई संख्या को ही करते हैं जिसमें पूछा जाता है। तो आपने कहा सर हम 20 की गुणा 100 में कर देंगे और हमारा आंसर कितना जाएगा, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे बताइए कि आपको समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन डी सही है, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए कि सर हमें यहां से नहीं समझ में आया है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। हम आपसे एक प्रश्न यहां पूछ लेते हैं, सभी बच्चे बताएंगे कि कितना बताएंगे, बताइए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होंगे, बताओ जरा जल्दी से। सुमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो सामने प्लीज सामने स्क्रीन पर देखो, शायद आप उन्हीं में से हो जिनको जब हम कह रहे थे कि स्क्रीन पर देखो अपने स्क्रीन पर देखना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। अब हम इस प्रश्न को समझाएंगे तो आप यहां पर देखना, सुमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, बाकी सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। सीमा आप अपने आंसर में 0 चेक करो कि आपकी कहीं 0 एक्स्ट्रा तो नहीं लग गई है। चलिए देखते हैं, देखो आपको कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है। जस्ट क्वेश्चन में 20 की जगह 25 करा है तब भी बच्चे सही से आंसर नहीं कर पा रहे, एक दो बच्चे। तो देखो जब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, अभी पीछे वाले यहाँ पे बताया था कि जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाओगे तो आप 100 से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो जब आप यहाँ पर 100 से गुणा करोगे तो आप सिर्फ 25 को 100 से गुणा करोगे कि 25 गुणा 100 कितना आ गया आपके पास में, 2500 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है उसके अंदर कितना हो गया, आप कहोगे 2500 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, ठीक है ठीक है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, और चैट सेक्शन बंद किया जाता है, अब आपको जो भी प्रश्न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें जल्दी से। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, प्रश्न नंबर 5, आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखो बच्चों ने पोल के अंदर आंसर करना स्टार्ट भी कर दिया है, जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से प्रश्न को हल करेंगे, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सके कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं, तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है,
और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जिन बच्चों ने अभी तक पोल के अंदर वोट नहीं किया वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। चलो अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, चलिए 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपको दिया गया है कि 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। क्या पूछा गया है कि 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए, और आपने अभी सीखा था, आपको याद करने के लिए कहा था कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर में आपको सर 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर में 10,000। 1 हेक्टेयर में आपने याद किया था कि 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। जब आपसे 2 हेक्टेयर में पूछा गया है तो कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 से गुणा क्या है, तो आप इधर भी 2 से गुणा कर दोगे तो कितने हो जाएंगे वो 20,000 मीटर स्क्वायर, कितने हो जाएंगे वो 20,000 मीटर स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है 20,000 मीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 20,000 मीटर स्क्वायर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सभी को समझ में आ गया ना, क्योंकि आपको ये याद करना होगा बच्चों, इसको तो आपको एज इट इज ही याद करना होगा कि जो 1 हेक्टेयर होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा 2 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे, कि 2 हेक्टेयर में सर इसके डबल हो जाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 हेक्टेयर में हो जाएंगे 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है, तो आपको पता लग गया है क्या ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे या फिर वो अपना माइक ओपन करके पूछिए जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है, कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपका चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। चलो आप इस प्रश्न को जल्दी से हल करो, और हल करने के बाद में क्या करेंगे आप बच्चे, आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। नीचे दी गई दो आय, हाँ एक मिनट रुको तो सही बच्चे, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, होमवर्क भी देंगे बच्चे आपको, रुको। देखिए नीचे दी गई दो आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल क्रम से, आपको दिया गया एक का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर और एक का दिया गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि आपको दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज देंगे कि सर हमारी तरफ से सही ऑप्शन ये वाला है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि आपको दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना है और जोड़ने के बाद में आपके पास में कितना आंसर आ रहा है। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि जितने बच्चे हर बार पोल करते हैं उतने बच्चे पोल कर चुके हैं, सिर्फ 2-3 ही बच्चे रह गए हैं, तो वो बच्चे भी जल्दी से क्या करें पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन वोट कर दे। जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे, और अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1।
और अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और जल्दी से सभी बच्चे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से कहाँ जाएंगे, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, बाकी बच्चे भेजिए जल्दी से। चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए सभी बच्चे देखेंगे और अपना आंसर मिलाएंगे। देखो, आपसे पूछा गया है कि एक आयत ये रहा और इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर। और एक आयत ये है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या जब इनसे कुल पूछा गया, तो जोड़ने के बाद तो किसी बच्चे का ऐसा आना चाहिए 203, पर क्या लिखेगा, वो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेगा या फिर 203 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेगा, यानी कि तो जुड़ेंगे ही नहीं क्योंकि इनकी तो दोनों के अलग अलग इकाई है। जब इन दोनों के अलग अलग इकाई है और ये जुड़ेंगे नहीं, तो आप हमें बताओ तो फिर इनको क्या करेंगे, यानी कि इनकी इकाई सेम बनाएंगे। अब इतना तो सभी देख लेंगे कि ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो देखो इसको क्यों बदलेंगे, ये तो 3 ही रहेगा, यानी कि हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेना चाहिए। जब हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो इसको सेंटीमीटर, गया। हाँ बच्चे तो 2 मिनट रुको तो सही, तो जब आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलोगे तो कैसे बदलेंगे, आपके पास में दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो आप कहोगे कि सर 1 मिलीमीटर स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, कि जब हम 1 मिलीमीटर स्क्वायर से, ऐसे समझिए बच्चे सामने स्क्रीन पर, हम आपको टेबल से ही समझाएंगे क्योंकि वो आपको याद करना है। एक होता है मीटर, एक होता है सेंटीमीटर और एक होता है मिलीमीटर। अब आप क्या करते हो कि जब सब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं, और जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आते हैं तो 10 से भाग करते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं कि जब हम इनकी वर्ग इकाइयों को देखेंगे कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो जब आप मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आओगे तो सर हम 100 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 100 से। चलो हम इसको 100 से भाग कर देते हैं क्योंकि हमें 200 मिलीमीटर स्क्वायर से हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है, तो हमने 100 से भाग कर दिया। और किसको भाग किया, सामने लिखी हुई संख्या को। जब आप 100 से भाग करोगे तो आपके पास में आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कुल दोनों का क्षेत्रफल, तो आपने इसके अंदर इसको जोड़ दिया, तो 2 और 3 कितने हो गए हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे बताएंगे, आपको अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो अपना एन टाइप करके भेज सकते हैं या फिर माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया है। और अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने होमवर्क वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब आपका होमवर्क क्या है, ये रहा। और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है प्लीज वो भी रुकेंगे, उनको हम स्क्रीनशॉट देंगे कि वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो आपको प्रश्नावली 2.1 करनी है होमवर्क में, प्रश्नावली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 पर है, और उसमें एक ही सवाल है जिसके 6 भाग हैं और वो आपको सारे के सारे करने। ठीक है बच्चों, चलिए। और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे।